Hi guys and welcome back to my channel. Today is Sunday और Sunday special. आज है पाया soup और पाया कड़ी. So let's make it. यहाँ पर मैंने पायाज लिए हैं जो मैंने अच्छी तरह से clean करके wash कर लिए. अब मैंने पायाज को प्रेशर में शिफ्ट कर लिया और मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी. पानी का हिसाब आप इस तरह रख सकते हैं कि आपको पायाज में कितना सूप चाहिए उससे डबल आपने पानी डालना है, क्योंकि प्रेशर होगा और पानी जो है वो एवेपोरेट होगा. अब हम प्रेशर कुकर बंद करके इसको 45 मिनट्स के लिए प्रेशर करेंगे. मिनट्स प्रेशर करने के बाद पायाज जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए. आप चेक कर लीजिएगा, अगर तो सॉफ्ट नहीं हुए होंगे तो आप उसको और 10 मिनट्स तक प्रेशर कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पायाज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने जितना सूप निकालना था चाहिए था वो मैंने अलहदा से निकाल लिया. अब इस सूप में मैं सॉल्ट एंड पेपर ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट और हमारा पायाज सूप बिल्कुल रेडी है. अब हम ये बहुत ही मज़ेदार सा पाया कड़ी बनाते हैं. इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आइए देखते हैं. यहाँ मैंने 2 स्मॉल अनियंस लिए हैं जो मैंने बिल्कुल स्क्वेयर पीसेस में काट लिए हैं. 3 टमाटोज लिए हैं स्मॉल साइज़ के जिसको मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है. और मैंने 1.5 टीस्पून लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट. मसाला में इसके अंदर जाएगा 3 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 5 to 6 होल ब्लैक पेपर्स, 4 to 5 स्मॉल सिनेमन स्टिक्स, 5 to 6 लविंग और 1 टीस्पून गरम मसाला. और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही. अब एक क्लीन पैन में हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन ऑयल हमने कम ही यूज़ करना है क्योंकि पायस का अपना भी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है. जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर अनियन ऐड कर दें और अनियन को हमने लाइट ब्राउन करना है, तब तक हम इसको कुक करेंगे. यहाँ हमारा अनियन बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गया. अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और मैं इसको थोड़ी देर कुक करूँगी. अब मैं इसके अंदर अपने श्रेडेड टमाटोज ऐड करूँगी और टमाटोज ऐड करने के बाद हम इस मसाला को अच्छी तरह से कुक करेंगे. मसाला अच्छा सा कुक हो गया. अब मैं इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी. स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे 3 to 4 मिनट्स और देन मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगी. दही को अच्छी तरह कुक करने के बाद जब आप देखें कि ऑयल ऊपर आ गया है तो इसका मतलब है हमारा मसाला रेडी है. और अब मैं इस मसाले को अपने पाए वाले मिक्सर के अंदर ऐड कर दूंगी जो हमने पायाज को स्टीम किया था उसके अंदर. सारे मिक्सर को हम इस पाए के अंदर ऐड कर देंगे. मसाला मिक्सर को ऐड करने के बाद पाए को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको हम फिर 10 to 20 मिनट्स लो हीट पर कुक होने देंगे. 10 टू 20 मिनट कुक होने के बाद हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे. और जी हमारे पायाज बिल्कुल रेडी है. आप लोग इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं जो ऑप्शनल है. मैंने इसके अंदर रेड चिली ऐड नहीं की, आप लोग रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं. बहुत ही मज़ेदार पाया सूप और पाया कड़ी बिल्कुल रेडी है. बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाले पायाज हैं. आप लोग ज़रूर ट्राई करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.